असलकम हमारी नेक में लेरिंग्स के नीचे और ट्रिकिया की आइदर साइड पे इच शेप्ड बटरफ्लाई शेप बो शेप एक ग्लैंड है जिसको थायर ग्लैंड के नाम से याद करते हैं माई वेरी डियर स्टूडेंट्स यही वो ग्लैंड है जिसको वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइटल दिया जाता है ट्वेंटी ग्राम्स का ये रेड कलर का ग्लैंड बिलो दी लेरिंग्स तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन ब्लड में सक्रिय करता है वन इज कार्ल टी थ्री ट्राइ आइडो इज़ रोन जिसको उर्फ आम में थायरॉक्सन कहते हैं और तीसरा इम्पोर्टेंट हार्मोन जो था ग्लैंड ब्लड में रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड कैलसीटोन कैलसीटोन वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम के होम्योस्ट्रेसिस को कैल्शियम की अमाउंट को और कैल्शियम की कंसेंट्रेशन को हमारी ब्लड प्लाज्मा में और बॉडी फ्लोअर्स में बैलेंस करता है तो कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन जो है कैल्सिटोन वो भी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों में थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 ओवर सक्रीट करते हैं नॉर्मल अमाउंट से इन हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है तो जब यही नॉर्मल रेंज इन T3 और T4 की एक्सीड करती है नॉर्मल रेंज से तो उसी कंडीशन को मेडिकल की जुबान में हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं तो हाइपर थायराइडिज्म का जो मोस्ट कॉमन काज हो सकता है वो क्या है तो आई इसी सबब को इसी कॉज को इन ऑप्शंस में तलाश करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऑप्शन में है ग्वाइटर गाइटर का जो लफ्जी मतलब है वो है एलार्जमेंट ऑफ थाड गाइटर इट सेल्फ इज नॉट अ डिजीज इट इज अ कंडीशन इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिग्जोडीमा एंड मिक्सोडीमा वो कंडीशन है जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होती है तो याद रखिएगा जिस शख्स का हो जाता है, उसी एनलार्जमेंट ऑफ तो को उसी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को गाइटर कहते हैं मिक्सोडीमा ये वो कंडीशन है जिसमें के केस में हाइपोथायराइडिज्म जो है वो कंडीशन है जिसके नतीजे में मिग्जोडीमा हो जाता है मिग्जोडीमा का लफसी मतलब है स्वेलिंग ऑफ फेस एंड बॉडी वो लोग जिनको हाइपोथायराइडिज्म होती है टी थ्री और टी फोर नॉर्मल रेंज से कम रिलीज और प्रोड्यूस होता है ग्लैंड से उनके फेस में स्वेलिंग फैट्स के डिपॉजिट करने से और बॉडी में फैट्स डिपॉजिट करने से स्वेल कर जाती है और यूजली ये मैनिफेस्टेशन है ये अलामते हैं हाइपोथिज्म की तो हाइपोथरास में गाइटर भी हो जाता है और मिक्सोडीमा भी हो जाता है सेम इसी तरह वो लोग जिनकी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए माई वेरी डी स्टूडेंट्स पर वीक हमें वन मिलीग्राम आयोडीन चाहिए होता है डाइट में ताकि नॉर्मल T3 और T4 की सिंथेसिस हो सके माय वेरी डियर स्टूडेंट्स एनवली ये अमाउंट बनती है तकरीबन 50 ग्राम तो वो इलाके वो बेल्ट्स जहां पे आयोडीन की साइल में डेफिशिएंसी होती है और ऐसे लोगों की डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए तो इससे भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है तो याद रखिएगा गोइटर मिक्जोडिमा और आयो, आयोडीन डेफिशिएंसी दीज आर ऑल दी सिनेरियोस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म यही वजह है वो लोग जिनकी डाइट में आयोडीन की कमी होती है जिन बेल्ट्स में आयोडीन की कमी होती है उनकी सोडियम क्लोराइड जो डाइट में लिया जाता है उसके साथ सोडियम आयोडाइड को ऐड किया जाता है तो सोडियम आयोडाइड सोडियम क्लोराइड के साथ जब ऐड किया जाता है तो आयोडीन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट किया जाता है तो आप जान गए होंगे ऑप्शन हमारे पास पीछे बचा है ग्रेव्स डिजीज ग्रेव्स डिजीज ग्रेव्स डिजीज वो कंडीशन है जिसमें इस शख्स का अम्यून सिस्टम बैकफायर कर जाता है बैक फायर ऑफ इम्यून सिस्टम से मुराद ये है जब अपनी ही एंटीबॉडीज अपनी ही किसी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे तो दिस रिस्पॉन्स इज कार्ड ऑटो अम्यून रिस्पॉन्स ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो अम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होती है एक्चुअली वो एंटीबॉडी जो ग्रेव्स डिजीज में बनती है दैट इज कॉल्ड थाइराइड स्टिम्युलेटिंग अम्यूनोग्लोबलन जो है थायरॉइड ग्लैंड्स के फॉलिकुलर सेल को स्टिम्युलेट करती रहती है और ब्लड के अंदर T3 और T4 का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो याद रखिएगा T3 और T4 जब एक्सीड करती हैं, तो थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये से ने (थायराइड रिलीजिंग फैक्टर को भी कम कर देते हैं और कॉन्सिक्वेंटली टी आर एफ एंटीरियर पिट्यूटरी से टी एस एच की को कम कर देता अगर से टी आर एफ और टी एस एच ब्लड में कम हो जाती हैं मगर इसके बावजूद T3 और T4 फोर ब्लड में कॉन्स्टेंट रहते हैं इनका इंक्रीज लेवल चेंज नहीं होता उसकी वजह यह है थायराइड स्टिमुलेटिंग अम्यूनोग्लोबलन टी एस एच का काम करना शुरू कर देती तो थायराइड स्टिमुलेटिंग अम्यूनोग्लोबलन कॉन्स्टेंटली ग्रेव्स डिजीज के लोगों के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके T3 और T4 रिलीज करती रहती है जिसके नतीजे में ग्रेव्स डिजीज वाले लोगों में

थायराइड स्टिमुलेटिंग अम्यूनोग्लोबलन बनती है जो हाइपर थाजम का बाइस बनती है तो अबाउट ग्वाइटर मिग्जोडीमा आयोडीन डेफिशंसी एंड करेक्ट आंसर ग्रेव्स डिजीज थैंक यू